हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बारे में। एक ओरल बी कंपनी की ओर से आने वाला ओरल बी विटिलिटी 100 इलेक्ट्रिक टूथब्रश, दूसरा अगारो कंपनी की ओर से आने वाला अगारो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। कंपेरिजन में डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, ओवरऑल लुक, बैटरी लाइफ, चार्जिंग टाइम और किसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रश हेड दिए गए, किसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड है, कौन सा वाला परचेस करना चाहिए, कौन सा वाला नहीं परचेस करना चाहिए, वो सारी चीजें तो आप भी सोचो। अच्छा सा इलेक्ट्रिक ब्रश परचेस करने के लिए आपका बजट अराउंड 900 रुपीज के करीब है, तो ओरल बी वाला मैंने परचेस किया था 999 का। अमेजोन पे इसके डिफरेंट डिफरेंट सेलर सेम है, कोई 1200 1300 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, वही अगारो वाला 1099 का अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर सेम है, कोई 1200 1300 का सेल कर रहा है, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था, और ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में हमारे इस टाइप के ब्रश अपडेट होते रहते, जो लेटेस्ट वाले रहेंगे इनके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो जैसे कि मैंने इन्हें अनबॉक्स कर लिया है, तो ओरल बी वाले के अंदर इसका चार्जिंग आता है जो कि इंडक्टिव बेस्ड चार्जिंग है, और कुछ इस टाइप का इसका वायर की ओवरऑल क्वालिटी, लेंथ की बात करें अराउंड 2 फीट के करीब है। ये हमारा ब्रश है, इसके अंदर रोटेटिंग वाला मैकेनिज्म है, इधर ओरल बी की ब्रांडिंग इस तरह ये ओपन हो जाता है, इधर रबड़ ग्रिप दिया गया है, बैक साइड में इसको स्टैंड जैसा भी दिया गया है सरफेस पे रखने के लिए, सिंगल बटन है, सिंगल मोड दिया गया, पावर ऑन करने पे कुछ इस टाइप का साउंड आएगा, इधर चार्जिंग का पोर्ट दिया गया, इंडक्टिव बेस्ड चार्जिंग है, कोई भी मेटल बाहर विजिबल नहीं रहेगा, और एक यूजर मैनुअल साथ में आता है। वही अगारो वाले के साथ में 3 कंप्लीट ब्रश आते हैं, तीनों ब्रश पूरे के पूरे सेम टू सेम ब्रश है, और इसके अंदर एक ब्रश हमारा लगा हुआ रहेगा, और ऊपर से ब्रश को प्रोटेक्ट करने के लिए कैप भी दिया गया है। ब्रश की क्वालिटी की बात करें, ओवरऑल कुछ इस टाइप की ब्रश की क्वालिटी है, इधर अगारो की ब्रांडिंग, इधर जो कि सिंगल बटन दिया गया, और डिफरेंट डिफरेंट मोड्स जो कि इसी बटन से कंट्रोल हो गए, नीचे चार्जिंग का पोर्ट है, और एक यूएसबी केबल दी गई है जो कि कुछ इस टाइप की ओवरऑल दिखती है। जब भी इसे पावर ऑन करोगे तो ये हमारा इस तरह वर्क करेगा, कंटिन्यू प्रेस करने पे हमारे मोड चेंज होएंगे, जैसे कि फर्स्ट मोड आ गया और आप ब्रश कर रहे हो, और इनके साथ आपको मोड चेंज नहीं करना है और आपको पावर ऑफ करना है, तो लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। अब दोनों के ब्रश हेड को मैं शुरू कर देता हूँ करीब से, दोनों के ब्रश हेड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के ओवरऑल आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाला थोड़ा सा बड़ा साइज है, ये वाला स्मॉल साइज है, इसके अंदर रोटेटिंग प्लस वाइब्रेशन दोनों है, इसके अंदर आपको कंप्लीट वाइब्रेशन दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट मोड है। स्ट्रोक की बात करें दोनों के अंदर आपको पर मिनट पे 40,000 स्ट्रोक ओवरऑल देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चार्जिंग टाइमिंग के बात करें, उसके पहले मैं बताया तो चार्जिंग का किस तरह इसके अंदर वर्क करता है, तो जब भी इसे आप चार्ज में लगाओगे तो रेड लाइट इंडिकेट करेगी, मतलब ये अभी चार्ज हो रहा है। 4 आवर लेता है कंप्लीट चार्ज होने में, जो कि 3 से 4 घंटा के बीच में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। वही बात कर ले ओरल बी वाले की, तो इसको चार्ज होने में लगता है ओवरनाइट, मतलब जो कि 15 से 16 घंटा के करीब, और इसका चार्जिंग का कोई भी इंडिकेटर नहीं है, तो आप इसे चार्ज में लगाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि चार्ज हो रहा है बिकने। तो जब भी इसे चार्ज में लगाओगे तो पावर ऑन करते टाइम पे पावर ऑन नहीं होगा, मतलब चार्जिंग होते टाइम पे पावर ऑन नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूं, तो मैंने इसका पिन लगा दिया सॉकेट में, और अभी जो कि मैंने प्लग को ऑन नहीं किया, जो कि बटन को ऑन नहीं किया, और इस बटन पे मैं प्रेस करता हूं, नीचे मैंने चार्जिंग में भी लगा हुआ है, तो ये चालू हो रहा है। अब जैसे मैं इस बटन को ऑन करता हूँ, अब ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, कोई भी इंडिकेटर नहीं है, अब आपको पता कैसे चलेगा, जब भी इस बटन पे आप प्रेस करोगे तो ये चालू नहीं होगा, तो मतलब ये अभी चार्ज हो रहा है, तो इस तरह आपको पता चलेगा, वो चार्ज फुल होने पे भी आपको ये पता नहीं चलेगा, तो ओवर चार्ज पे भी इसके अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा, जैसे कि आपने 24 घंटा या फिर 20 घंटा इसको चार्ज में लगा दिया बैटरी के अंदर कोई इशू आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इंडिकेटर इन्होंने नहीं दिया, मतलब कुछ भी चीज इलेक्ट्रॉनिक की बाहर विजिबल नहीं है, ना मेटल हो गया, ना लाइट हो गया, कहीं से भी वाटर अंदर ना जाए, तो 100% आपको वाटर प्रूफ जो कि IPX7 की रेटिंग दोनों के अंदर मिलती है, तो आप इसे शावर करते टाइम पे या फिर बाथटब वगैरह में भी यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल दोनों का डिजाइन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, इधर जो कि दोनों का बटन दिया गया, अगोरा की ब्रांडिंग, टाइमर भी दोनों के अंदर दिया गया 2-2 मिनट का, जैसे आप इसे यूज करो 30 सेकंड में वाइब्रेट होगा, मतलब आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, 2 मिनट में ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा, और आपको 30 सेकंड में वाइब्रेट होने पर इंडिकेट करेगा कि आपने मतलब एक साइड में क्लीन कर लिया, तो आप दूसरे साइड में टीथ को क्लीन कीजिए। वही इसके अंदर भी सेम फंक्शनलिटी देखने को मिल जाती है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड है, इसके अंदर एक सिंगल मोड दिया गया, जो 6th वाला मोड है वही एक सिंगल मोड के अंदर जो कि पावरफुल, मतलब वही वाला लास्ट वाला मोड इतना पावरफुल इसके अंदर ओरल बी के अंदर देखने को मिल जाता है। और नीचे चार्जिंग का पॉइंट ओवरऑल देखने को मिलता है, बैक साइड से कुछ इस टाइप का डिजाइन है। अब क्लीनिंग की बात करें तो ओरल बी वाला थोड़ा सा बेहतर क्लीन करता है अगारो वाले से, जैसे कि समझ लीजिए 10% का डिफरेंट है। इसके अंदर आप मसाज वाले जो कि 5th मोड के अंदर रखोगे तब जाके इतना पावर देखने को मिलेगा, एज कम्पेयर टू ओरल बी वाले के अंदर जो कि सिंगल मोड है, तो ये रोटेटिंग भी होता है, वाइब्रेट भी होता है, जिसके कारण क्लीन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वही ये ब्रश जो कि 2 मिनट ले रहा है क्लीन करने में जो पार्ट को, वही ये चीज 1.5 मिनट में कंप्लीट क्लीन कर लेगा। और नॉर्मल ब्रश से डिफरेंट मिलता है भी कि नहीं इलेक्ट्रिक ब्रश को यूज करने पे, काफी लोगों को यही डाउट रहता है, तो नॉर्मल ब्रश से आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक ब्रश को यूज करने से। 1 वीक में आपको पता चलेगा नॉर्मल ब्रश से जो क्लीन नहीं होता था, जो कि आप 5 मिनट 6 मिनट बहुत ज्यादा टाइम देते थे, और जो कि आपके टीथ ज्यादा येलो है या फिर आप बहुत ज्यादा बाहर की चीजें खाते हो, क्लीन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, वही इलेक्ट्रिक ब्रश आपका बहुत ही काम सिंपल कर लेता है, वो क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही बेहतर हो जाता है। और डेंटिस्ट के पास भी आप गए रहोगे तो आपने इस टाइप का ही क्लीनिंग करने का देखा रहेगा ओरल बी जैसा। तो नॉर्मल ब्रश से तो
काफी ज्यादा बेनिफिट है इलेक्ट्रिक ब्रश के अंदर इन दोनों के अंदर। बाकी इन दोनों में बस 10% का डिफरेंट है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है क्लीनिंग में। तो प्राइस तो दोनों का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आस पास में ही है, बस ओरल बी वाले के साथ में कोई भी एक्स्ट्रा ब्रश हेड नहीं आता है। ब्रश हेड के लिए फ्यूचर में जैसे कि 6 महीने हो गया है, आपने 4 महीने 5 महीने जितना भी टाइम यूज किया, यूज करने के बाद में आपको लग रहा है कि अब चेंज करना है तो आपको सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। वही अगारो वाले के साथ में 2 ब्रश हेड भी आ जाता है, तो आपको ब्रश हेड अभी चाहिए, वो चार्जिंग का भी थोड़ा फास्ट हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट मोड भी देखने को मिले, तो वो बेस पे आप अगारो वाले की ओर जा सकते। बाकी आपको चार्जिंग वगैरह का कोई भी इशू नहीं है, डेंटिस्ट वगैरह भी काफी ज्यादा रिकमेंड करते हैं ओरल बी का, और ओरल बी का 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। इनके प्रोडक्ट पसंद नहीं आता पूरा का पूरा पैसा रिटर्न मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको 7 डे से लेकर 30 डे तक का अमेजोन पे रिटर्न जो कि रिफंड और रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, तो प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो दोनों प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए। 2-3 दिन नहीं पसंद आता तो आराम से आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, मतलब पूरा का पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा और आपका प्रोडक्ट वो वापस लेके जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज बता दी, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये ओरल बी वाला मैंने परचेस किया था 999 का अमेजोन पे, डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, सेम कोई 1300-1400 का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू था। ये वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, 6 मंथ में हमारे इस टाइप के ब्रश हेड अपडेट होते रहते हैं, जो लेटेस्ट वाले इलेक्ट्रिक ब्रश रहेंगे सी टाइप चार्जिंग वाले अपडेट हो रहे हैं, तो इनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।